राजस्थान में सचिन पायलट मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी राजस्थान में, जो भी घोटाले हुए हैं उनका संबंध अशोक गहलोत के साथ बताते हुए सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को समझाने की कोशिशों में कांग्रेस बखूबी देखी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिन सचिन को फ़ोन करती हुई देखी जाती है, अशोक गहलोत भी काफ़ी कुछ बयान देते हैं। यहाँ पर अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे हैं। सचिन पायलट को मनाने की बात करते हैं, बीते कई दिन पहले सचिन पायलट के साथ वो बैठक करना चाहते थे लेकिन सचिन पायलट वहाँ जाते नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद रंधावा कहते हैं कि मैं सचिन पायलट को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, वो ऐसा कदम ना उठाएं, उनका कदम गलत है। जब वो अनशन पर बैठने की बात कर रहे थे उस दौरान रंधावा ने ये सब कुछ कहा था। लेकिन आज फिर से रंधावा से जब इसी मामले में सवाल किया गया कि सचिन क्या करने वाले हैं, क्या वो पार्टी को छोड़ने वाले हैं या CM पद की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, कई सवाल कांग्रेस से किए जा रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट का ये रुख साबित करता है कि कांग्रेस में नाराजगी जो दिखाई दे रही है ये साबित करता है कि यहाँ पर सचिन पायलट बगावती रुख अपना सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कदमों पर चल सकते हैं। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब उनकी नहीं सुनी सचिन पायलट ने तो वो फिर और किसकी सुनेंगे। सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते थे राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी वाड्रा के, एक परिवारवाद की तरह देखा जाता है। लेकिन सचिन पायलट ने अब इस तरीके से अनशन पर बैठ कर ये सब साफ कर दिया है कि कोई भी भाईचारा नहीं है, यहाँ पर CM पद की कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट यही रुख अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन रंधावा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सचिन पायलट समझ जाएंगे, नहीं समझते तो हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ रंधावा कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। आज के लिए जो पिछले भी हुए उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूंगा, कहां हम खड़े हैं, कहां गलती हमारी है, कहां उनकी गलती है, पूरा मैं रिपोर्ट। लेकिन एंटी पार्टी कहते हैं कि सचिन पायलट ने जो किया है अनुशासन के बाद भी अनुशासन, मेरा ख्याल के जितना मैंने बोल दिया है अब उसमें से आप निकालिए कि मैंने जो रंधावा जी, रंधावा जी वो प्रो पार्टी है कि एंटी पार्टी। रंधावा जी ये जो एंटी पार्टी एक्टिविटी ये चीज राजस्थान में पहले भी सुनने को मिला था, जब विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई उस समय भी कहा जा रहा था कि उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, पार्टी का विधायक दल। अगर मैं उस टाइम होता तो आपको मैं उस बात का भी आज जवाब दे देता हूँ। मैं एक बहुत और किस्म का पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा एक जट आदमी हूँ कि जो ठीक है उसको ठीक कहूंगा, जो गलत है उसको गलत कहूंगा। तो सब लेकिन सर एक बात बताइए, लेकिन सर आपके नोटिस के बाद अनशन वहाँ पे किया जाता है, आपको नहीं लगता है कि अनुशासन? मेरे को दो दिन का तो टाइम देंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। इनके सवाल पर कि उस समय आप होते तो कार्रवाई करते, आपको लगता है आज आप है तो आज आप कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई हो। आपने रंधावा को सुना, सुखजिंदर सिंह रंधावा वो सचिन पायलट के साथ ज़्यादा देखे जाते हैं और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि सचिन पायलट ऐसा रुख ना आजमाएं। तो इसी के संदर्भ में रंधावा ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि अगर सचिन पायलट अनशन नहीं तोड़ते हैं या फिर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे ही बगावती सुर अपनाते हुए देखे जाएंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में बात करते हैं अशोक गहलोत की भी। अशोक गहलोत बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रेल कार्यक्रम में मौजूद हुए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को कह दिया कि आपके हाथों में दो दो लड्डू हैं। तो आप इस बात से समझिए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत को ऑफर कर रही है कि आप हमारी पार्टी में भी आ जाइए और CM पद की कुर्सी पर भी बने रहिए, और सचिन पायलट की जो नाराजगी है ये कांग्रेस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से चोट डालती हुई नजर आएगी। ये सारा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है और राजस्थान में सियासी हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।